हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मोटोरोला H50 जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। दोस्तों इससे पहले भी मोटोरोला ने कई सारे मॉडल्स को जो है वो लॉन्च किया है, जैसे कि मोटोरोला H50 अल्ट्रा, मोटोरोला H50 फ्यूजन और मोटोरोला H50 प्रो। ये सारे फोन जो है हाल ही में लॉन्च हुए हैं और ये वाला फोन भी हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया है। दोस्तों इसमें काफी अच्छे अच्छे फीचर्स जो है मोटोरोला ने वो डाले हैं, जैसे कि इसका मोबाइल का जो लुक है वो काफी अच्छा है, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। जैसे आप इसे एक रिच वाइब आएगी आपको। दोस्तों इसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट मिले हैं, IP68 मेटल फ्रेमिंग, वायरलेस चार्जिंग एक्सेट्रा फीचर्स दिए हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन होता है और हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहे। दोस्तों इनबॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है हम बता दें। इसमें आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट्स, हैंडसेट, चार्जर मिलेगा जो कि 68 वॉट का है, डाटा केबल मिलेगी जो कि टाइप सी है, और आपको स्टिकर्स मिलेंगे, सिम कार्ड टूल मिलेगा और आपको हाई क्वालिटी का एक आपको केस मिलेगा जो कि मोबाइल का ही होगा। अगर आप इसको हाथ में लेते हैं तो आपको काफी रॉयल फील होगा, एक्सपीरियंस के हिसाब से काफी रिच वाइब आएगी। दोस्तों आपको इसका जो फ्रेम है वो काफी मेटल का है जो कि काफी अच्छा लगता है। डिस्प्ले की बात करें तो वो कर्व है। दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं पोर्ट्स एंड बटन्स की, दोस्तों बॉटम में आपको स्पीकर ग्रिल मिलेगा, USB टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, माइक्रोफोन मिलेगा और सिम ट्रे मिलेगी। सिम ट्रे जो करें तो आपको टॉप में केवल और केवल एक नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिलेगा। दोस्तों राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिलेगा और पावर ऑन ऑफ का बटन मिलेगा। दोस्तों रैम की बात करें तो इसमें दोस्तों 8 GB के जो है वो वेरिएंट बेस वेरिएंट है और 8 GB की रैम और 256 GB का इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंचेस की 1.5K रेजोल्यूशन के साथ में 120Hz रिफ्रेश रेट और 1600 nits की पीक ब्राइटनेस के साथ में ये फोन आपको देखने को मिल जाता है। स्टीरियो स्पीकर है दोस्तों, इसमें डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है जिससे मल्टीमीडिया का जो आपका अनुभव है वो काफी बेहतरीन होने वाला है। प्रोसेसर की बात करें, स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 का सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाएगा जो कि परफॉर्मेंस आपकी जो स्पीड है वो सुपर लेवल की देखने को मिलेगी। आपका इसका जो प्रोसेसर है वो भी काफी फास्ट, काफी कम पावर कंज्यूम करेगा जिससे आपके मोबाइल की जो बैटरी है लाइफ है वो काफी देर तक चलेगी। रैम मैंने आपको बता दिया 8 GB है, इंटरनल मेमोरी जो है इसमें आपकी 256 GB आपको देखने को मिल जाएगी। बैटरी की बात करें 5000 mAh की बैटरी है जो कि 68 वॉट के पावरफुल चार्जर से चार्ज होगा। बैटरी की बात करें तो बैटरी इसमें 5000 mAh की बैटरी है जो कि 68 वॉट के पावरफुल चार्जर से चार्ज होता है। इसमें दोस्तों 15 वॉट का वायरलेस चार्जर का सपोर्ट भी आपको दे रखा है। परफॉर्मेंस जो है इसकी बेस्ट है दोस्तों, अगर गेमिंग आप कर रहे हैं 60 FPS पे काफी आराम से आप इसमें गेमिंग का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों इसमें हेलो UI का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जिससे आप स्मार्ट कनेक्ट, मैजिक कैनवा, फैमिली स्पेस, सिक्योरिटी फोल्डर एक्सेट्रा आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें मेजर अपडेट मिलता है, 2 साल का मेजर अपडेट मिलेगा और 3 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट आपको इसके अंदर मिलते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो 16 बैंड जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सपोर्ट करता है, 4G वोल्टी को सपोर्ट करेगा, Wi-Fi 6 का सपोर्ट है इसके अंदर, ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट है, NFC और 4x4 मीमो को भी ये सपोर्ट करता है। ऑल टाइप ऑफ सेंसर जैसे कि फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, काफी बेहतरीन है। दोस्तों फेस अनलॉक एक्सेट्रा लगभग सभी प्रकार के सेंसर्स इसके अंदर है। कैमरे की बात करें तो प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, 10 मेगापिक्सल का, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है और अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है वो इसमें 13 मेगापिक्सल का है। सेल्फी के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रखा है। अब अंत में बात कर लेते हैं दोस्तों इसके प्राइस की, तो प्राइस जो है वो मोटोरोला ने 28,000 के आसपास रखा गया है। अभी ऑफर चल रहा है तो आपको ये फोन 26,000 के आसपास आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मीडियम से देखने को मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।